तो भाई यूट्यूब हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2022 के सेकंड मैच के बीच, जो कि खेला जाएगा भारत की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि दिल वालों की दिल्ली कैपिटल्स और पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच। तो दोस्तों इस मैच की हम पर्टिकुलरली बात करें, पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कई ओवरसीज खिलाड़ी अनअवेलेबल होने वाले हैं। ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका है, लिटरली बहुत बड़ा। कई मतलब उनके पांच खिलाड़ी, पांच का पंजा उनके मुंह पे डायरेक्ट जाके लगा है, क्योंकि उनके पांच मेन खिलाड़ी लगभग आप बोल सकते हैं पहले मैच से तो पक्का बाहर है। तो हम लोग अगर डेविड वार्नर और मिचेल मार्च की बात करें तो वो लोग तो तीन चार मैच से बाहर हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो लोग सीरीज खेल रहे हैं पाकिस्तान में। अगर हम बात करें एनरिक नोकिया की, तो एनरिक नोकिया को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन जरूर किया, लेकिन वो अभी चोटिल चल रहे हैं, जिनके कारण हो सकता है वो भी चार पांच मैच मिस जरूर करे। और अगर हम अब बात करें तो लुंगी एंगिडी और मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच जो सीरीज खेला जा रहा है उसके पार्ट था, एक हिस्सा थे, तो ये दोनों भी अब पहले मैच से तो अनअवेलेबल हो गए हैं अगर हम ESPN की रिपोर्ट माने तो। इन दोनों को आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, जिनके कारण ये अभी क्वारंटाइन में है, और इसी कारण ये दोनों अपना पहला मैच जरूर मिस करेंगे। यानी कि पांच खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के, पांच ओवरसीज खिलाड़ी अनअवेलेबल है। तो अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के पहले मैच में चार ओवरसीज प्लेयर्स पूरा हो भी पाएंगे या नहीं। तो ऑक्शन में तो दिल्ली कैपिटल्स शेर लग रही थी, लेकिन आईपीएल के शुरुआती मैचों में पक्का दिल्ली कैपिटल्स ढेर होने वाली है अगर हम ऑन पेपर बात करें तो। तो जितना सुंदर लाल के आने से जेठालाल को दुख होता है, उससे भी ज्यादा दुख तो अभी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को हो रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का। तो मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस में भी दो नाम ऐसे हैं जो कि पहले मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। एक नाम तो ऐसा है जो कि पूरा आईपीएल अवेलेबल नहीं होगा, ये तो पहले से ही सबको पता था कि जोफ्रा आर्चर इस आईपीएल में नहीं आने वाले हैं, फिर भी मुंबई ने उनको खरीदा अगले आईपीएल के लिए। मतलब बुमराह और जोफ्रा आर्चर, वाओ डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, बल्लेबाजों की तो गीली होने वाली है अगले आईपीएल में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मुंबई इंडियंस का जो पहला मैच होने वाला है उसमें एक और नाम मैं बताऊं तो वो भी अनअवेलेबल होने वाला है, जो कि है इंडिया का 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव स्काई। रिपोर्ट्स की माने तो सूर्य कुमार यादव को वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज था उसमें अंगूठे में थोड़ा सा इंजरी आ गया था, जिसके कारण वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वो अपना पहला मैच मिस करेंगे। बाकी अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का कप्तान है रोहित शर्मा, रो सुपर हिट शर्मा, मुंबई चार राजा। और रोहित शर्मा जिस टीम के कप्तान हो उस टीम को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तो दिल्ली का हालत तो अभी पछता है। दोस्तों मुझे लगता है इस मैच में मुंबई इंडियंस जीत जाएगी, मे बी कोई ऐसा चमत्कार न हो कि दिल्ली कैपिटल्स उलट फेर करके मुंबई इंडियंस को हरा दे। अगर हम ऑन पेपर बात करें तो मुंबई इंडियंस अभी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अभी कोर टीम तैयार नहीं है, स्ट्रांगेस्ट 11 नहीं है उनके पास। जब उनके पास एनरिक नोकिया, डेविड वार्नर, मिचेल मार्च ये सब प्लेयर जब वापस आएंगे तो दिल्ली फिर से दबंग दिल्ली हो जाएगी, खतरनाक दिल्ली। लेकिन अभी दिल्ली मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी दिल्ली अपना पहला मैच हारने वाली है, मुंबई इंडियंस दिल्ली को हरा देगा। दिस इज ओनली व्हाट आई फील। और अगर हम पिच की बात करें तो पिच बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, फास्ट बॉलर्स का भी यहाँ बहुत बाउंस होता है, जिन बॉलर्स के पास गति है वो इस पिच पे अच्छा कर सकते हैं, और वैसे ये बल्लेबाजों के लिए पिच है क्योंकि मुंबई का पिच है, यहाँ पे बाउंस ज्यादा होता है, यहाँ पे रन ढेर सारे बनते हैं। तो अगर मैं टॉस की बात करूँ तो जो भी कप्तान यहाँ टॉस जीतेगा वो आंख बंद करके बल्लेबाजी का फैसला करेगा, क्योंकि ये मैच होने वाला है दिन में, यानी कि 3:30 बजे आपको ये मैच देखने को मिलेगा, यानी दोपहर को। और कोई भी टीम ऐसा नहीं चाहेगा कि हमें इतनी धूप में फील्डिंग करना पड़े। तो अमूमन जो होता है कि दोपहर वाले मैच में जो भी टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग का फैसला कर लेती है, और मुझे भी यही लग रहा है ये मैच में भी यही होने वाला है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक ही था। तो आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी, ये आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने तो अपना प्रेडिक्शन बता ही दिया कि मुंबई इंडियंस ऑन पेपर ज्यादा मजबूत लग रही है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।